हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जैसे उठी तो मुझे लगा कि बारिश हो रही है, और फिर उठ के देखी तो सचमुच में बारिश हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा खुश भी हो गई। और इस बारिश में मुझे अपने गार्डन में कुछ काम भी करने थे, तो इसलिए मैं अपने गार्डन में जल्दी से आ गई। और मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू भी दे दूँ, और उसी के साथ मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ ये भी दिखा दूँ, क्योंकि बारिश का पानी और वो भी इतनी गर्मी में पहली बारिश हो रही हो, तो ये पौधों के लिए अमृत के समान है। तो इसीलिए मैं अपने गार्डन में आ गई। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो उसके बाद हमारे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये सुबह का टाइम है, मुझे मैं टाइम नहीं देखी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुबह के 7 या 7:30 बजे थे। तो उस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उस समय में उतना धूप नहीं था क्योंकि बारिश भी आ रही थी। और देखिए, हल्की बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। तो जैसे ही बारिश आई तो मैं आ गई, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे पौधे कितने अच्छे खिलने लगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिर्च को भी दिखा दूँ कि खाद वगैरह डाली थी, तो उसके बाद इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ा है। तो देखिए कितने अच्छे इसमें मिर्च फिर से आ रहे हैं, और जैसे बारिश की पानी पड़ी है तो ये थोड़ा सा खुश भी हो गए हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारे मिर्च है। तो इस तरह से हमारे गार्डन में कुछ चल रहा है, और ये मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से ओवरव्यू दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मिर्च का पौधा है, और इसमें फिर से मिर्च तैयार भी हो गई, कुछ दिन पहले ही मैं हार्वेस्ट की थी लेकिन अभी फिर से तैयार हो गई है। और इधर देखिए हमारा अपराजिता का पौधा है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से हरे भरे हो गया, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो फूल इसमें खिले नहीं हैं, जैसे धूप निकलेंगे खिलेंगे। और ये कुछ पौधे थे जो मेरे साइड में रखे होते, तो इसे मैंने जल्दी जल्दी बारिश में रख दिया कि उस पर बारिश का पानी पड़ जाए। और यहाँ पर देखिए गुलाब का भी पौधा है, और उसमें देखिए कलियाँ बनी हुई थी लेकिन कलियाँ सूख रही हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेरे पौधे रखे हुए थे, तो उसको मैंने ऐसे जगह पर रखा जहाँ पर बारिश का पानी पड़े। जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ, ये मनी प्लांट हमारा साइड में रखा हुआ था, तो इसे मैं यहाँ पर ले आई ताकि इसमें बारिश का पानी पड़ जाए, क्योंकि मनी प्लांट के लिए तो बहुत अच्छा है बारिश का पानी। और इस पानी में नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, इसीलिए हमारे पौधे को बहुत अच्छा, मतलब क्या बोले, फ़ायदा देता है। तो इसलिए ज़रूर पहली बारिश हो तो जो भी पौधे साइड में रखे हो तो उसे बीच में कर दे। और देखिए मैंने बहुत सारे पौधे इधर से उधर किए हैं, कोलियस को भी मैंने नीचे रखा है, और यहाँ पर देखिए हमारा पिटूनिया है, तो इसे भी मैं थोड़ा सा इस साइड पर रख दी हूँ ताकि इस पर पानी पड़ जाए। और ये हमारे मोगरा का फूल है, और देखिए थोड़ा थोड़ा फूल खिल भी रहे हैं, और ये छोटे से बोतल में लगे हुए इसलिए ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा गुलाब का पौधा, तो देखिए इसमें भी हल्की बारिश की पानी पड़ी है, और इसमें भी थोड़ी कलियाँ बन रही हैं, और अभी देखिए पानी पड़ गए तो फिर से इसमें खिलने शुरू हो जाएंगे फूल। और ये भी एक गुलाब का पौधा है, तो देखिए अभी क्या है कि बहुत गर्मी है इसीलिए फूल छोटे छोटे आ रहे हैं, तो इसीलिए अब जैसे ही पानी पड़ी है तो इसमें थोड़े से फ़ायदे होने लग जाएंगे। और बहुत कम बारिश थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और देखिए इस साइड हमारा सदाबहार का पौधा है, तो उसमें भी फूल खिल रहे हैं। और ये मैं थोड़ी सब्जियाँ लगाई थी, तो उसमें भी देखिए क्या क्या हो रहा, थोड़ा सा फल आ रहे हैं, लेकिन देखिए इतनी गर्मी है कि ये बड़े ही नहीं हो रहे। और क्योंकि मैं छोटे छोटे गमलों में लगाई हूँ, तो इसीलिए पता नहीं बहुत ज़्यादा तो बड़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फल लगे हुए हैं, और ये भी देखिए एक थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इसी तरह देखिए सब्जियों में भी फल आने लग गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन नहीं हुआ है। और इससे जब मैं लगाई थी तो आप लोगों से शेयर भी की थी, और यहाँ पर भी एक फल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं भिंडी लगाई हुई थी, तो भिंडी भी अब काफ़ी बड़े हो रहे हैं और कुछ दिन में ही फल लगने लगेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं करेला लगाई हूँ, तो इसमें भी देखिए लत बनने लग गई है, तो कुछ दिनों में ये भी फलने लगेंगे। तो इस तरह से मैंने सबको किया, और अभी फिर मैं दिखाती हूँ, मुझे फिर से थोड़ा सा काम करना पड़ा। तो फिर जब बारिश तो ख़त्म हो गई, और अब देखिए दिन के 11 बज गए थे, तो मुझे लगा कि बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मैं फिर अपने गार्डन में आई, और जो भी पौधों को मैंने इधर उधर किया था उसे फिर से वापस वहीं पे रखा है, क्योंकि इसे अभी शेडी एरिया में रखना चाहिए। तो देखिए ये मनी प्लांट है, तो मैं इसे भी यहाँ पर ले आई, और अभी और भी बहुत सारे पौधे मैंने इधर उधर रखे थे जहाँ पानी की वजह से, तो उसे मैंने फिर से दोबारा से सेट किया है, क्योंकि अगर इसे धूप में ही रहने दें तो ये ख़राब होने लग जाते हैं। और देखिए इसे भी मैं इस पे रखी थी, देखिए इसके पत्ते तो ऐसे भी जल ही रहे हैं, और अगर धूप लग जाएंगे तो और ज़्यादा जलने लगेंगे, इसलिए मैं हटा दी।
और ये देखिए छोटे से मनी प्लांट लगा हुआ है छोटे से डब्बे में, तो इसे भी मैं अब छायादार जगह पे रख रही हूँ। और ये देखिए कोलियस में थोड़ा लेट से आएगी गार्डन में, तो ये देखिए मुरझाने लग गया थोड़ा सा, तो इसे भी मैं जल्दी जल्दी हटा दे रही हूँ। तो देखिए हम लोग को इतना काम करना पड़ता है गार्डनिंग जब कर रहे हैं तो, और थोड़ा सा ध्यान भी रखना। तो देखिए ये भी कोलियस का पौधा है, पानी की वजह से मैं बीच में रखी थी, तो अब इसे भी मैं शेड में रख दे रही हूँ। जो भी पौधे मैं पानी के लिए रखी हुई थी सभी को मैं वापस उसी जगह पर रख रही हूँ जहाँ पहले थे, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी सी आई थी, शुरू नहीं हुई है, इसीलिए धूप बहुत तेज़ है, तो हमें फिर से अपने गार्डन को उसी तरह से करना पड़ा है। और ये भी देखिए ये रियो प्लांट, तो इसे भी मैं अभी साइड में कर देती हूँ, क्योंकि ये इतने तेज़ धूप में ये भी हमारे थोड़े से पत्ते ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये सब काम किया तो इस तरह से हमारा गार्डन कुछ इस तरह से हो गया है। और मैंने सारे पौधे वैसे ही रख दिए थे जैसे पहले थे, और यहाँ पर देखिए जो भी पौधे जहाँ पर थे सारा सेट किया, तो फिर से हमारा गार्डन कुछ इस तरह से हो गया है। और फिर जो छाया में रखने वाले पौधे थे उसे मैंने छाया में रख दिया, और जो धूप में रखने वाले पौधे थे उसे मैंने धूप में ही रख दिया। तो इस तरह से हमें करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।